हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है पोलैरिटी वेल्डिंग के अंदर पोलैरिटी क्या होता है और कितने प्रकार के पोलैरिटी होते हैं वो हम समझेंगे तो फ्रेंड्स पोलैरिटी इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को कैसे हम पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं वो उसके अरेंजमेंट को पोलैरिटी कहते हैं जैसे कोई भी वेल्डिंग के लिए हमें पावर सोर्स चाहिए होता है और उस पावर सोर्स से दो टर्मिनल निकलेंगे दो टर्मिनल निकलते हैं एक्चुअली पावर सोर्स का एक आउटपुट होता है आउटपुट पावर सोर्स का ए सी भी हो सकता है और डी सी भी हो सकता है मतलब वो अल्टरनेटिंग करेंट भी आउटपुट निकाल सकता है या डायरेक्ट करेंट डिपेंडिंग अपन आपका पावर सोर्स तो अगर पावर सोर्स अल्टरनेटिंग करेंट आउटपुट देता है तो अल्टरनेटिंग करेंट में क्या होता है जो हमारे दो आउटपुट होते हैं यहाँ से करंट बाहर निकलेगा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सेम वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा मतलब पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है ये प्लस होगा फिर प्लस होगा फिर ये प्लस होगा फिर ये प्लस होगा हो वैसे ये माइनस होगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा पोलैरिटी बार बार चेंज होती है अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग करंट का ऐसे वेव्स भी होता है मतलब ये प्लस माइनस प्लस माइनस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्लस माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन जब हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं डीसी, तो डीसी में एक टर्मिनल हमेशा माइनस होगा और एक टर्मिनल हमेशा प्लस होगा अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं एक टर्मिनल से हम वर्कपीस से कनेक्ट करते हैं एक टर्मिनल को और एक टर्मिनल को हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां मैंने ये यह जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और नेगेटिव वाले टर्मिनल को वर्क पीस से कनेक्ट किया तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसे डीसी पी बोलते हैं डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है तो डीसीई पी बोलेंगे इसे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इसे रिवर्स पोलैरिटी भी बोला जाता है रिवर्स पोलैरिटी ये तो एक अरेंजमेंट हो गया दूसरा अरेंजमेंट यह हो सकता है कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में कनेक्ट हो और वर्क पीस पॉजिटिव से कनेक्ट हो मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव आउटपुट देता है और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव आउटपुट देता है तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल अब इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस से तो ये जो अरेंजमेंट हो गया इसे हम डी सी एन बोलेंगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव ये इलेक्ट्रोड वाला ये वाला है तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव नेगेटिव अब यहां ध्यान देंगे फ्रेंड्स इसे स्ट्रेट पोलैरिटी भी बोलते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी अब इन दोनों का फर्क क्या है इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं अगर डीसीईपी कॉन्फ़िगरेशन है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मतलब हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये देखिए इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से हो गया और वर्क पीस माइनस से तो इसमें क्या होता है देखिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो इस केस में क्या होगा हमारा पीस माइनस है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन वर्कपीस से जाएंगे इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जब वर्कपिस से इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इनकी होती है बहुत स्पीड से जाते हैं और ये जाके इलेक्ट्रोड के टिप पे टकराते हैं तो ज़्यादा हीट जो है इलेक्ट्रोड के टिप पे कॉन्सेंट्रेट होता है और रफली हम कहते हैं टू थर्ड या सेवेंटी परसेंट जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोड के टिप पे जनरेट होता है और वन थर्ड रिमेनिंग यानी थर्टी परसेंट जो थर्टी परसेंट जो हीट है वो वर्कपीस पे कंसंट्रेट होगा तो ये डीसीईपी का हो गया सेवेंटी परसेंट हीट इलेक्ट्रोड के टिप पे और थर्टी परसेंट वर्कपीस पे अब हमारा दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं डीसीई एन डीसीएन जो कि स्ट्रेट पोलरिटी है उसमें क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव से हो जाएगा देखिए इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और जो वर्कपीस है वो पॉजिटिव टर्मिनल तो इस केस में क्या होगा अब इलेक्ट्रॉन्स का flow, फ्लो जो होगा इलेक्ट्रोड के टिप से वर्कपीस की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ तो वही सेम फंडा इलेक्ट्रॉन जो है बहुत का ही हाई ही काइनेटिक एनर्जी से इस पर फ्लो करेंगे और इस केस में क्या होता है उसका उल्टा हो जाएगा मतलब डी सी एन में टू थर्ड जो है या सेवेंटी परसेंट हीट जो है वो वर्कपीस पे कॉन्सेंट्रेट होगा सेवेंटी परसेंट हीट वर्कपीस पे आएगा और थर्टी परसेंट हीट वो इलेक्ट्रोड के टिप पे रहेगा इलेक्ट्रोड के टिप पे रहेगा तो टेक्निकली ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया अब हम समझेंगे कुछ वेल्डिंग प्रोसेस से इसके अंतर को कुछ वेल्डिंग प्रोसेस के मैं नाम लिख देता हूं एस एम ए डब्ल्यू शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जीएमए डब्ल्यू इसे मिग या मैग भी बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग फिर मैं लिख रहा हूं जी टी ए डब्ल्यू गैस ट्रंजेस्टर आर्क वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग और लिख रहा हूं मैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग तो फ्रेंड्स एस एम ए डब्ल्यू और जीएमए डब्ल्यू वेल्डिंग में क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रोड सेम ये जो इलेक्ट्रोड है ये फिलर मेटल का भी काम करता है मतलब ये इलेक्ट्रोड भी होता है आर्क जेनरेट इलेक्ट्रोड का काम आर्क जनरेट करना होता है और फिलर मेटल का काम का जो वेल्डिंग होता है वेल्डिंग के अंदर फीड होके वेल्डिंग को भरने का, का काम होता है तो सेम चीज इलेक्ट्रोड का भी काम करता है और सेम चीज फिलर का भी काम करता है मतलब ये वेल्डिंग के दौरान फिल होते जाता है यानी कंज्यूम होते जाता है खत्म होते जाता है वेल्डिंग के दौरान मेल्ट होके कंज्यूम भी होता जाएगा तो एस एम ए डब्ल्यू और जी एम ए डब्ल्यू में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता जाता है खत्म हो जाता है मेल्ट होके खत्म होने लगता है जबकि जी टी ए डब्ल्यू और प्लाज्मा आर वेल्डिंग में हम टंजस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और ये जो इलेक्ट्रोड है नॉन कंज्यूमेबल होता है नॉन कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोड है ये टंजस्टन का इलेक्ट्रोड ये सिर्फ आर्क जनरेट करेगा हमें जो एडिशनल फिलर मेटल की वेल्डिंग को भरने की जरूरत पड़ेगी वो हम अलग से देंगे फिलर मेटल अलग से फीड होगा और इलेक्ट्रोड का काम सिर्फ आर्क जनरेट करना होगा यानी हमें इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं करना है यानी इलेक्ट्रोड को हमें कम हीट देना है तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स देखिए चूंकि ये कंज्यूमेबल है इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके हीट करके हमें आ, फिल भी करना है तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए एक अच्छा काम करेगा क्योंकि 70 परसेंट हीट इलेक्ट्रोड पे कंज्यू होगा तो इलेक्ट्रोड ज़्यादा जल्दी मेल्ट होगा और जल्दी वेल्डिंग होगी लेकिन टिग वेल्डिंग में हमें इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं करना है हमें वर्कपीस और फिलर मेटल को मेल्ट करके वेल्डिंग करनी है तो उस केस में थर्टी परसेंट हीट अगर इलेक्ट्रोड पे कॉन्सेंट्रेट होगा तो इलेक्ट्रोड के मेल्ट होने की चांसेस कम होगी तो उस केस में हम डीसी पोलैरिटी यूज करते हैं तो फ्रेंड्स कई बार ये वेल्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है पोलैरिटी क्या है तो आप बता सकते हैं पोलैरिटी क्या है ये इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के कनेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन है डायरेक्ट करंट में रिवर्स पोलैरिटी डीसीईपी को बोलते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी डीसीईएन को बोलते हैं हीट ये भी पूछा जाता है हीट किस में कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है तो जो रिवर्स पॉलर्टी या डी सी ई पी है उसमें इलेक्ट्रोड में सेवेंटी परसेंट और वर्कपीस में थर्टी परसेंट कॉन्सेंट्रेट होगा और डी सी ई एन या स्ट्रेट पॉलिटी में वर्कपीस पे सेवेंटी परसेंट और इलेक्ट्रोड पे थर्टी परसेंट अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछते हैं कि आर्क वेल्डिंग में टिग वेल्डिंग और बाकी वेल्डिंग में क्या फर्क होता है टिग वेल्डिंग और दूसरे आर्क वेल्डिंग में क्या फर्क होता है तो फ्रेंड्स टीग वेल्डिंग जो कि जीटीएडब्ल्यू को कहते हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया डीसीग्रेशन में मोस्टली मैं जे, मैं जनरल बात कर रहा हूं स्पेसिफिक नहीं तो मोस्टली डीसी और पीएडब्ल्यू में भी जबकि दूसरे वेल्डिंग प्रोसेस जैसे एसएमएडब्लू में मोस्टली डीसी कॉन्फिग्रेशन को यूज करते हैं तो आप डिफरेंस ऐसे ही बता सकते हैं कि टिक वेल्डिंग या प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में डी सी एन कॉन्फिग्रेशन यूज करते हैं और इन दोनों वेल्डिंग प्रोसेस को छोड़ के जो बाकी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हैं उनमें डीसी ई पी कॉन्फिग्रेशन यूज होता है इनफैक्ट मेरे से एक सवाल एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अब फ्रेंड्स जो पोलैरिटी है पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगा तो मैंने तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता दी बट मोस्टली जो पोलैरिटी होगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस और दूसरा वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड तो क्वालिटी लेवल के हिसाब से हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से हम अपना इलेक्ट्रोड को पोलैरिटी दे सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एस एम डब्ल्यू में ई सेवन जीरो वन एट एक इलेक्ट्रोड है तो इसका बेस्ट रिजल्ट हमें डीसी पी कॉन्फिग्रेशन में मिलता है जबकि एक ई सेवन सिक्स जीरो वन थ्री इलेक्ट्रोड है ये ए सी टी सी ई पी और डी सी ई एन तीनों में यूज हो सकता है तो डिपेंडिंग अपॉन जॉब कि हम यहाँ पे जॉब की थिकनेस के हिसाब से भी हम यहाँ पे पोलैरिटी सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स इन जनरल तो ये है बट स्पेसिफिक जाए तो हमें इलेक्ट्रोड जॉब थिकनेस और वेल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से पोलैरिटी देखना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये था पोलैरिटी के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा थैंक यू वेरी मच